और इसमें सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अब भी जारी है, जो कि खबर अभी मिल रही है। चार आतंकियों को सेना ने ढेर किया है, लेकिन हमने अपने तीन जवान भी गंवा दिए हैं। बात करते हैं हमारे सहयोगी राकेश पांडे, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, अब तक इसमें क्या जानकारी मिल रही है और इस पूरे इलाके कुलगाम के बारे में भी अगर आप कुछ बता पाए तो। बिल्कुल वैती, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, जो एनकाउंटर चल रहा है सैटरडे की रात को यानी शनिवार की रात को कुछ इनपुट्स मिले थे और उसके आधार पर पूरे एरिया का कॉर्डन ऑफ किया गया था और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। और उसके बाद जो आतंकी थे, जो फौरी जानकारी है, हिजबुल के ये आतंकी थे, एक घर में घुस गए, उन्होंने खुद को छिपाया उस घर के अंदर और उसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। चार आतंकी मारे गए हैं, तीन जवान हमारे शहीद हुए हैं और खबर ऐसी भी है कि दो जवान घायल भी हुए हैं। फिलहाल बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया और रुक रुक कर वहां पर फायरिंग चल रही है। और पिछले कुछ वक्त में एक सिलसिला चला है मैत्री, 4 फरवरी को बारामूला इलाके में वहां पर फायरिंग हुई थी, वहां पर कुछ आतंकी हिजबुल के मारे गए थे। माना यह जा रहा है कि उससे इसका कुछ कनेक्शन हो सकता है और लगातार हाल फिलहाल में इस पूरे एरिया में घुसपैठ देखी जा रही है, लगातार फायरिंग की खबरें आती रही है। और ये जो एरिया है, आपको मैं बता दूं, कुलगाम जिले का जो है वो नागबल फ्रिजल एरिया है जहां पर यह पूरा एनकाउंटर चल रहा है। रुक रुक कर अभी भी फायरिंग हो रही है और ये भी जानकारी मिली है कि इस घर पर एक्सप्लोजिव के जरिए भी सुरक्षा बलों ने अटैक किया है और संभवतः इस घर को गिरा दिया है या घर को गिराने की प्लानिंग चल रही है। मैत्री, बिल्कुल, तो जैसा हमारे संवाददाता बता रहे हैं पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन जो अब तक खबर मिल रही है उसके मुताबिक चार आतंकियों को ढेर कर दिया, लेकिन दुख की बात की हमने अपने तीन जवान गंवा दिए हैं इस घटना में। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, पूरी जानकारी के लिए। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।